हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज मैं आ गया दूसरी एक बहुत ही मस्त कार लेके जो मेरे पास है। यहाँ ड्राइवर है रेनो की, ये रही सामने, इसका हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। एंड ऑल्सो दिस इज़ फॉर सेल, तो इसके बारे में डिटेल जो है हमारे साथ हैं आज राकेश भाई जो पंचाल कार्स के ओनर है जिनके पास ये कार है, तो उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं, कौन सा मॉडल है, क्या है क्या नहीं, वो सब हम लोग इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, अगर बड़ोड़ा से देखो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि बड़ोडियन को जल्दी से जल्दी सपोर्ट करना है, जल्दी से 50,000 सब्सक्राइबर हिट करने हैं अपने को। तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना जो पार्ट आपको अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे तो वो भी कमेंट कर देना, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ड्राइवर है 2021 नवंबर का मॉडल है ये, बेस से एक ऊपर मॉडल है। ये की है, यहाँ पर आपको ऐसी नॉर्मल सी की मिल जाती है रेनो का, मैं आपको क्या ब्रांडिंग मिल जाएगी, ब्रांडिंग के साथ साथ आपको लॉक अनलॉक का बटन मिल जाएगा, ठीक है। तो अनलॉक कर देता हूँ मैं कार, तो इस तरीके से सामने का लुक ऐसा लगता है वो बेचारे खाना खा रहे हैं, मैंने गलत जगह खड़ी कर दी, चलो कोई नहीं, खा लेना तो उनको कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ ब्लॉग में आ जाएंगे। तो सामने से इस तरीके का लुक दिखता है इसके अंदर, और यहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्रांडिंग यहाँ पर और लोगो मिल जाता है रेनो का। नीचे अगर इसके देखो तो इसमें फाइबर में, फाइबर कोटिंग में ही ग्रिल्स आ जाती हैं। फ्रंट में आपको फॉग लाइट DRLs वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एक और छोटा सा इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। अलॉय व्हील्स नहीं आते, टॉप मॉडल नहीं है इसके लिए, इसमें आपको अच्छा रिम आती है इसके अंदर नॉर्मल सी, और ये अलॉय व्हील्स टाइप का कैप लगा रखा है, ठीक है। और फ्रंट में अगर आप देखो यहाँ पर हैंडल में मिल जाता है थोड़ा क्रोम फिनिश मिल जाती है, क्रोम गार्निशिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको थोड़ा अच्छे से शार्प लुक में मिल जाता है रियर व्यू मिरर। और यहाँ पर आपको ये एक्सेसरीज में आता है या फिर ये लगवाना पड़ता है? एक्सेसरीज में आता है ना ये डोर वाइजर, ये है अभी साइड से लुक इस तरीके का, और सामने ऊपर आपको रेल्स भी मिल जाती है। ये टॉक है कि ये एक्सेसरीज में मिल जाता है अगर आप लगाना चाहोगे तो, आप रूफ रेल्स आपको लगा सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको इधर डोर वाइजर की भी बात करते हैं, यहाँ पर क्रोम फिनिश आपको देखने को मिल जाती है। पेट्रोल वेरिएंट है, 7-सीटर कार है, और 7-सीटर लगती नहीं है क्योंकि बहुत ही अच्छे से तरीके से कॉम्पैक्ट तरीके से बनाई गई है। अंदर भी अगर बैठोगे तो काफ़ी ज़्यादा, वो देखो हॉल कर रहा है वो उतनी जोर से डरा रहा है भाई वो वीडियो में। तो ये आपको पीछे से लुक देखने को मिल जाता है, ड्राइवर बड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये ऊपर ओपन कर देते तो ऑटोमेटिकली अपने आप, मतलब ऑटोमेटिक नहीं, दबाओगे अपने आप तो थोड़ा पुश करना पड़ेगा, मिल जाता है। बूट स्पेस ज़्यादा नहीं मिलता है, अगर इसको बैक करोगे अंदर डाल दोगे सीट फोल्ड कर दोगे तो बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाएगा आराम से। दो चार लोग आराम से बैठ सकते, चार लोग बैठ सकते हैं, पाँच लोग बैठ सकते हैं, और बाकी अगर सामान रखना चाहो तो सामान भी रख सकते हो। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। हाँ, तो रियर इंडिकेटर आपको रियर रेड लाइट इंडिकेटर ऊपर दिया गया ताकि पीछे काफ़ी दूर तक जो पीछे गाड़ियां हैं ना उनको आपको विजिबिलिटी मिल सके। अगर बात करें इसके टेल लाइट की तो टेल लाइट भी काफ़ी स्टाइलिश दी गई है, पूरी इधर से इधर तक आती है, थोड़ा शार्प लुक दे रही है, अच्छी लगती है दूर से। अगर मैं पीछे से दिखाऊँ तो पीछे से इस तरीके का लुक देती है और काफ़ी प्रीमियम टाइप में लग जाती है। ब्लैक बम्पर दिया हुआ है, 3 सेंसर दिए हुए हैं, वैसे 4 दिए हुए चाहिए थे, ऐसे भी है तो 3 सेंसर दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कैमरा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बैक कैमरा नहीं मिलता है तो आप अंदर से देख नहीं सकते, वैसे TFT है नहीं इसकी क्योंकि ये बेस से एक ऊपर मॉडल मिल जाता है। टायर तो एकदम कंप्लीट नए हैं ही, ये टेपिंग वगैरह की रखी है, कस्टमर नहीं की हुई है। यहाँ पर ये प्रोटेक्टर लगा रखे, ये भी एक्सेसरीज़ का पार्ट है, ऐसा स्टॉक में नहीं आती है, एक्सेसरीज वगैरह लगानी पड़ती है। तो डोर की बात करें तो डोर पॉकेट यहाँ पर काफ़ी बड़ा मिल जाता है, बॉटल रख सकते हैं 2 लीटर की, एक छोटी बॉटल भी आ जाएगी। स्पीकर भी यहाँ बहुत बड़ा लगा हुआ है और यहाँ पर कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं, सॉफ्ट टच नहीं है, थोड़ा हार्ड टच में ही है पूरी बॉडी। तो यहाँ पर सामान वगैरह रख सकते हो आराम से, 3 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। और एक अच्छी बात है कि यहाँ पर ज़्यादा ऊंचा नहीं है, यहाँ पर बीच में जो जगह रहती है आराम से 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बैक की सीट में भी यहाँ पर भी काफ़ी जगह है, ऑलमोस्ट हेडरूम वगैरह भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है क्योंकि ये जब नीचे है ना तो काफ़ी हेडरूम वगैरह मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो बैक की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर फ्रंट में बात करें, ऑलमोस्ट न्यू ही कार है, आपने बताया मैंने कि ज़्यादा चली भी नहीं है, कुछ 11,000 किलोमीटर समथिंग चली हुई है उस तरीके से। तो फ्रंट में आपको ये सब देखने मिल जाते हैं, 4 AC वेंट यहाँ पर सामने मिल जाते हैं, रियर AC वेंट्स यहाँ पर आपको नहीं देखने के मिलते हैं जो कि 7-सीटर है तो होना चाहिए, बिकॉज रियर AC वेंट बैक सीट में नहीं है तो पीछे वाली सीट वालों को तो भी ज़्यादा गर्मी लग सकती है। ये कुछ यहाँ पर रीमॉडल अच्छा सा किया हुआ है, यहाँ पर फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर अगर टॉप मॉडल में जाओगे तो यहाँ से 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट बनाने के लिए दिया हुआ है, तो नीचे भी फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। और यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ पर कुछ है नहीं तो यहाँ पर शायद USB पोर्ट वगैरह लगाने के लिए यहाँ पर
दो बड़े कप होल्डर मिल जाते हैं, दो छोटे मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है, मैनुअल वेरिएंट है, टॉप 5 गियर्स मिलते हैं इसमें, 6 गियर नहीं मिलते हैं। और ड्यूल एयरबैग है, थोड़ा उसमें एयरबैग में थोड़ा कर सकते थे क्योंकि इतनी बड़ी कार है, इम्पैक्ट थोड़ा पड़ता है तो फिर थोड़ा सेफ्टी वगैरह होनी चाहिए। तो मॉडल इस तरीके से किया गया है, देखो इधर से अगर देखोगे थोड़ा ऊपर यहाँ पर लिया लेकर आए हुए हैं ताकि पीछे वाले को हेडरूम कम ना पड़े, तो ये अच्छा काम किया हुआ है। साइड से देखेंगे तो यहाँ पर हल्का सा स्पॉइलर टाइप में थोड़ा लुक प्रोवाइड हो जाता है जो कि अच्छा लग जाता है। सब खाएंगे तो लड़ रहे थे, इसका वापस दे जाए खाना, अलग अलग देंगे क्योंकि सब लड़ रहे थे। एक बार अंदर से मैं दिखा देता हूँ, स्टेयरिंग में दिखा देता हूँ। फ्लैट बॉटम, ज़्यादा बॉटम में फ्लैट नहीं आता है, बस थोड़ा सा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। अब देख सकते हो 11,700 समथिंग किलोमीटर चली है। सीट भी अगर बात करें तो सीट भी काफ़ी अच्छी है, थोड़ी स्पोर्टी सीट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है, बाकी तो नीचे से काफ़ी ठीक ही है। मैं आपको उसका, तो इस तरीके का इंजन आ जाता है, तो 1 लीटर इंजन मिल जाता है। तो ये मैंने देखा था क्योंकि हम लोग को लेने की भी थी एक गाड़ी, तो उस हिसाब से मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च भी किया था, तो ये काफ़ी अच्छी लगी थी। और डस्टन की भी एक आती है, डस्टन गो प्लस, जो कि 7 सीटर है, वो भी अच्छी आती है गाड़ी, तो भी देखी थी। तो यहाँ अगर आप टॉप मॉडल में जाओगे यहाँ पर आपको फॉग लैंप वगैरह नीचे भी आप लगा सकते हो, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी काफ़ी बड़ा है, अगर इंजन थोड़ा कवर्ड होता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन आप भाई बेस से छोटे मॉडल में चाहिए लेंगे देंगे ही क्या कंपनी वाले। तो राकेश भाई क्या सीन है अभी, मतलब ये तो मैंने पूरी गाड़ी का रिव्यू दे दिया किस तरीके से क्या है, बाकी अगर आप सेल करना चाहते हैं तो मतलब कितना प्राइस रहेगा और क्या सब रहेगा इसका? 590। तो 590,000 मिला था। और न्यू का कितना प्राइस आता है? 725 न्यू का प्राइस आता है। 590 में आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि काफ़ी नई गाड़ी है। कितने महीने पुरानी होगी? 3 महीने। 3 महीने पुरानी है सिर्फ, तो 3 मंथ ओल्ड कार है, आराम से आप बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो भाई ये था पूरी गाड़ी का रिव्यू, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल पर नए हो। और ऐसी अगर आपके पास और भी कोई कार वगैरह है जो आप रिव्यू कराना चाहते हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर आके DM कर सकते हो या फिर ईमेल भी कर सकते हो, डाल सकते हो बड़ौदा में, ठीक है। अगर बड़ौदा में हो आप, आपके पास कार वगैरह है तो रिव्यू कराना चाहते हो लॉन्ग टर्म ऑनरशिप रिव्यू, तो आप जरूर से कॉन्टैक्ट करना, तो मिलके कुछ ना कुछ करते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय भोलेनाथ।